दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेट इन्फोवीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की, जो कि वाया पटना होकर चलती है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएँ। दोस्तों, यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से नई दिल्ली तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 123-05 और यह ट्रेन 19 घंटे 55 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 1530 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 76 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, रविवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी के डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 5025 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 2160 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 2890 रुपये। यह मैक्सिमम किराया है। इसके अलावा इसमें पेंट्री कार भी शामिल है, जहाँ से हमें फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ये पेंट्री कार भी इसी किराए के अंदर ही इंक्लूडेड है। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की और इसके स्टेशनों की। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से हर रविवार को दोपहर के 2:05 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है वर्धमान जंक्शन, जहां पर यह 3:08 पर दोपहर को पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मधुपुर जंक्शन, जहाँ पर यह 5:12 पर पहुँचती है और 3 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है जसीडीह जंक्शन, जहाँ पर ये 5:40 पर शाम को पहुँचती है और 4 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है पटना जंक्शन, जहाँ पर ये 9 बजे रात को पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका जो अगला स्टेशन आता है दोस्तों, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जहाँ पर ये 12:42 पर पहुँचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है अलाहाबाद जंक्शन, जहां पर ये 2:40 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है कानपुर सेंट्रल, जहां पर ये 4:47 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन नई दिल्ली पर पहुँचती है 10 बजे सुबह और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।